नमस्कार दोस्तों, DLX9 में स्वागत है। सब्सक्राइब करें DLX9 और बेल आइकन को दबाएं नए बिजनेस आइडियाज का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस बिजनेस से मात्र 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप हर महीने 2,10,000 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस है फेविकोल जैसे सेलुलोज एडहेसिव की। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस में फेविकोल के सामने बहुत सारी कंपटीशन है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा एडहेसिव फर्नीचर व गत्ते उद्योग व दुकानों में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु सामान्य गुमनाम एडहेसिव से कई गुना ज़्यादा रेट है फेविकोल का। इसी कारण कोई दुकानदार फेविकोल का यूज नहीं करता है। आप इसे पेंट, सनमाइका, प्लाई, गत्ता बेचने वाले दुकानदारों के साथ ही डायरेक्ट फर्नीचर के दुकानदारों को भी बेच सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह बिजनेस नगद में होता है। एडहेसिव बनाने के लिए आपको निम्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी: स्टार्च 3 किलोग्राम, यूरिया 720 ग्राम, कास्टिक सोडा 960 ग्राम, पानी 9 लीटर। सबसे पहले एक प्लास्टिक का कोई भी पात्र लें और इसमें कास्टिक सोडा को डालें। कास्टिक सोडा को डालने के बाद से फिर इसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद से उसे अच्छी तरह से किसी प्लास्टिक के चम्मच या डंडे से चलाएं। अब आपका कास्टिक सोडा का लाई तैयार हो चुका है। इसे ठंडा होने के लिए 5 से 15 घंटे तक रख दें। अब फिर एक कोई बड़ा सा प्लास्टिक का पात्र लें और इसमें कास्टिक सोडा का जो ठंडा हुआ लाई है उसमें डालें। फिर एक टब ले और उस टब में कास्टिक सोडा का जो लाई है वो डालें। उसे डालना नहीं है, वो पात्र रखना है। फिर टब में ठंडा पानी डालना है ताकि एडहेसिव बनाते समय मिश्रण का घोल अगर गर्म हो तो पानी के माध्यम से वो ठंडा हो जाए। फिर इसमें स्टार्च को डालें और डालकर मिलाएं। हम स्टार्च को इसमें बाद में डाल रहे हैं इसलिए अच्छी तरह से नहीं घुल पाएगा। आपको जो 9 लीटर पानी बताया गया उसमें 4.5 लीटर में अपना कास्टिक सोडा का लाई बनाया और 4.5 लीटर में स्टार्च को पहले ही घोल ले और इस घोल में उस घोल को मिलाए, आपस में अच्छी तरह से मिल जाएगा। अगर ऐसे मिलाना है तो मिक्सचर में ही मिलाए, हाथ से बनाना हो तो पहले स्टार्च को घोल लें। ऐसे आपस में अच्छी तरह से मिलाते रहें। इसे अच्छी तरह से मिलाए। हमारा कास्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा हो गई है और पानी की मात्रा कम हो चुकी है। आप सभी रचक को तौल के प्रयोग करें। पानी भी कम मात्रा में है, ऊपर से पानी ऐड करना पड़ेगा। पानी ऐड करके इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिलाते रहें।
वो हल्का हल्का स्टार्च का गांठ इसमें दिख रहा है, लेकिन अगर आप स्टार्च को घोल कर इसमें डालेंगे तो एक भी गांठ नहीं पड़ेगा और जो आपका एडहेसिव बनेगा वो थोड़ा सफ़ेद में बनेगा। हमारा डिजिटल वेटिंग मशीन ख़राब हो चुका है, इसलिए हम कोई भी रचक तौल के प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन आप तौल कर प्रयोग करें। हम कम पानी का भी यूज़ किए हैं, कास्टिक सोडा की मात्रा भी ज़्यादा हो चुकी है। बस आपका एडहेसिव तैयार हो चुका है, जो हल्का हल्का गांठ दिख रहा है वो गांठ नहीं दिखेगा अगर पहले स्टार्च को घोल लेंगे तो। अब आप इसे पैक करके आसानी से बेच सकते हैं, छोटे डब्बों के पैक में भी पैक कर सकते हैं या पॉलिथीन के पैकेट में भी पैक कर सकते हैं। मटेरियल कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यह पेस्ट अधिक रेजिन मिश्रित सेल्यूलोज एडेसियो गादे सरेस के घोल और रबर सीमेंट के समान मजबूत जोड़ लगाने में समर्थ है। धातुओं की पट्टियों, लकड़ी और गत्ते आदि को पूरी मजबूती से जोड़ने में यह समर्थ है। दोस्तों, इस तरह के एडेसिव बनाने में सभी खर्च, लेबर और ट्रांसपोर्ट सहित 15 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ता है। फेविकोल तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन सबसे सस्ता एडहेसिव भी 80 रुपये प्रति किलो से सस्ता नहीं पड़ता है। अगर आप दुकानदारों को मात्र 50 रुपये किलो ही बेचते हैं तो भी आपको 1 किलो पर 35 रुपये की शुद्ध प्रॉफिट होगी। अगर आप डेली एक दुकानदार को मात्र 20 किलो ही एडहेसिव बेचते हैं तो 700 रुपये की प्रॉफिट होगी मात्र एक दुकानदार से। और अगर आप डेली मात्र 10 दुकानदारों को ही सप्लाई करते हैं तो आप रोज़ आराम से 7,000 रुपये कमा सकते हैं। इस प्रकार आप मामूली पूंजी इन्वेस्ट करके हर महीने 2,10,000 रुपये कमा सकते हैं, वो भी मात्र 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर। 10 दिन का आपको बिजनेस करने के लिए मात्र 30,000 की पूंजी चाहिए मटेरियल के लिए। दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी मटेरियल कहाँ मिलेगी इसकी जानकारी दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप सभी रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नाइस लिखे, अन्यथा सुझाव दें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यद्यपि समय के साथ साथ वस्तु और उद्योगों के रूप में परिवर्तन होता रहता है, परंतु एडहेसिवों का निर्माण एकमात्र ऐसा उद्योग है जो 70 के दशक से प्रारंभ में शुरू हुआ और 1980 आते आते सभी प्रकार की परंपरागत लेहियों तथा सरेस के घोलों को प्रचलन से पूरी तरह बाहर कर दिया। 70 के दशक तक घरों और दफ्तरों में ही नहीं, बाइंडर तक अरारोट की लेई बनाकर प्रयोग करते थे, जो लकड़ी को जोड़ने के लिए सरेस का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब दोनों ही वस्तुएँ प्रचलन से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। अब घरों, दफ्तरों और विद्यार्थियों द्वारा ग्वारगम से निर्मित ग्लू नामक एडेसिवों का प्रयोग किया जाता है, जो तरल रूप में शीशियों में बिकते हैं। लकड़ी और प्लाईवुड पर सनमाइका चिपकाने और चमड़ा तथा रेक्सिन आदि चिपकाने के लिए सरेस के स्थान पर रबड़ अथवा लेटेक्स निर्मित एडेसिवों का प्रयोग किया जाता है। क्विक फिक्स और फेवी फिक्स जैसे अत्यंत साफ सुथरा और स्थायी जोड़ लगाने वाले मिश्रण वास्तव में सेल्यूलोज निर्मित एडेसिव है, तो फेविकोल भी स्टार्च और कैचिन बेस्ड एडेसिव ही है। सभी प्रकार के स्टिकरों में पीछे की ओर कोई लेटेस्ट निर्मित एडहेसिव अनिवार्य रूप से लगाया जाता है और आज सबसे अधिक मांग है इस प्रकार के एडहेसिवों की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी प्रकार के एडहेसिव बहुत बड़े संस्थान नहीं बनाते, यही कारण है कि चंद हज़ार रुपये तक निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है एडहेसिवों का निर्माण। लगभग 50 वर्ष पूर्व तक क्विक फिक्स नामक पॉली सेलुलोज एडहेसिव आया तथा इसे चिपकाने की शक्ति तथा जोड़ की सफाई देखकर दंग रह गए थे। प्लास्टिक, चीनी, मिट्टी, कांच तथा धातु तक की टूटी हुई चीज़ें जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता था। 40 वर्ष तक तो यह सर्वश्रेष्ठ बना रहा, परंतु अब सर्वश्रेष्ठ का स्थान ले चुका है फेविफिक्स नामक सेल्यूलोज एडेसिव, जिसमें कोई रेजिन नहीं मिलाई जाती। इसके निर्माण की विधि तथा प्रयोग किए जाने वाले रचक और रसायन सिंथेटिक बर्निशों तथा सेल्यूलोजो पेंटो वाले हैं, परंतु इन्हें अधिक गाढ़े रूप में तो तैयार किया ही जाता है, कोई रंग भी नहीं मिलाया जाता। फेविफिक्स जैसे एडहेसिव
को बनाने में।